जय हिंद। आज हम आप सब लोगों को अरावली के बारे में पढ़ाने चल रहे हैं। मैं उत्तर भारत के जितने पर्वत हैं सभी का अध्ययन आपको यहाँ पे दे चुका हूँ, करा चुका हूँ, और आज हम अरावली के बारे में बताने चल रहे हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए जो हमारा अरावली है, आज तो बहुत इसे कहा जाता है बहुत पुराना माउंटेन अरावली के बारे में, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करना चाहते हैं ये अरावली का विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक है। पहले इसका विस्तार जो था लक्षद्वीप से लेकर कहाँ तक था, आपका पूरा हिमालय तक छाया हुआ था। लेकिन अभी वर्तमान में इसका जो विस्तार बचा हुआ है गुजरात के पालमपुर से लेकर कहाँ तक है, हरियाणा तक है, ठीक है। और हम भी इसके विस्तार के पहले आपको मैप में समझाते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं हम आपको, ठीक है। देखिए अरावली का जो अभी बचा हुआ माउंटेन्स है ये 800 किलोमीटर लंबा माउंटेन्स है, ठीक है। इसकी लंबाई कितना है, 800 किलोमीटर है। गुजरात के पालमपुर से इसकी शुरुआत होती है और यहाँ पर कई पहाड़ियाँ बीच में आती हैं, जैसे उदयपुर, उदयपुर में क्या है आपका जगह की पहाड़ी है, और टोटगढ़ में क्या है आपका मारवाड़ की पहाड़ी है, और अलवर में क्या है इसका हर्षनाथ की पहाड़ी है, और आगे बढ़ते हैं तो दिल्ली में जाते हैं तो रायसीना की पहाड़ी आ जाती है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो हरियाणा तक फैली हुई है, ठीक है। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए इस पर इसकी सबसे ऊंची चोटी, यानी कि कहा जाता है यहाँ पे कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, आपके गुड़शिखर है, ठीक है। यही वो गुड़शिखर है जिस पर क्या है माउंट आबू है। माउंट आबू में क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे जैन का क्या है आपका दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। कहाँ पे है ये, राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। और आपको यहाँ बताना चाहता हूँ यह जो माउंटेन्स है आपका सबसे पुराना माउंटेन्स है, इसे ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स बोला जाता है इंग्लिश में। और ये बताया क्या गया, यह भारत ही नहीं पूरे विश्व का सबसे पुराना माउंटेन्स है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितना है, इसकी एक सबसे ऊंची चोटी है गुड़शिखर, तो कितनी ऊंचाई है उसकी, 17-22 मीटर इसकी ऊंचाई है, यानी कि 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। और इसी पर क्या बताया मैंने, इसी के माउंट आबू पर क्या है दिलवाड़ा का जैन मंदिर है इसी चोटी पर, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, इसका विस्तार गुजरात से लेकर राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा तक फैला हुआ है, तीन राज्यों में इसका विस्तार पाया गया है। और यही नहीं बताया जा रहा है यहाँ पे इसका सबसे ज्यादा विस्तार, यानी कि 80% विस्तार कहाँ पाया जाता है आपका, राजस्थान में पाया जाता है, यहाँ से लेके पूरा राजस्थान के एरिया में लगाता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, अरावली का निर्माण कब हुआ, किस काल में इसका निर्माण होता है, इसे बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन एरा। प्री कैम्ब्रियन एरा में इसका निर्माण होता है, जब हमारी पृथ्वी का निर्माण होना शुरू हुआ था उसी समय इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। आगे बताते हैं इसकी आयु, आज कितनी इसकी आयु है, लगभग बताया जा रहा है 570 मिलियन वर्ष पूर्व इसकी आयु, कितने 570 मिलियन वर्ष पूर्व इसकी आयु है, ठीक है। और एक बात और बता रहा है यहाँ पे, अरावली जो है ये जल विभाजक का काम करती है। जल विभाजक किस प्रकार से, पूरब की नदियों का जल विभाजन और पश्चिम की नदियों का जल विभाजन, इसी प्रकार से पूरब में जो नदियां निकल रही हैं कौन कौन सी निकल रहे हैं आपकी गंगा, यमुना और इनकी सहायक नदियां, और उधर उत्तर पश्चिम साइड में कौन सी नदी निकल रही है, लूनी नदी निकल रही है, इनके बीच में जल विभाजक का काम करता है, ठीक है, कौन अरावली रेंज, ठीक है। एक बात और बताना चाहता हूं मैं यहाँ पे आपको, कह रहा है इसके पश्चिम में लूनी नदी निकलकर क्या होती है अरब सागर में गिरती है, यहाँ से लूनी नदी निकलकर अरब सागर में गिरती है। आगे बताया जा रहा है यहाँ पे इसका विस्तार, पहले हिमालय से अरब सागर तक था, अरब सागर लक्षद्वीप तक फैला था, मैंने बताया ना हिमालय से लेकर कहाँ था लक्षद्वीप तक फैला हुआ था, ठीक है, अरब सागर में लक्षद्वीप है ना। और लेकिन इतना ये क्या कह रहा है, लेकिन दीर्घ काल से इसका विस्तार, इसका क्षरण हुआ, दीर्घकाल से क्या हुआ इसका क्षरण होता है, क्षरण मतलब नष्ट होना, टूटना फूटना, ठीक है। इतना क्षरण हुआ कि अब इसकी लंबाई सिर्फ 800 किलोमीटर बची है बस, समझ में आ रहा है नहीं। तो इस प्रकार से अरावली बहुत ही पुराना माउंटेन्स है, ठीक।